करने के बावजूद भी हम लोगों के मुताबिक न पेमेंट ही मिल सका न पे आईडी कार्ड ही बन सका। बार बार कहने के बावजूद भी अधिकारी भी कहते हैं बन जाएगा, लेकिन अब तक नहीं बना। और 4-5 सालों से अनुरक्षकों ने अपने नल जल को संचालित रखा और रख रखाव का भी काम किया, लेकिन आज तक सही पेमेंट नहीं मिला। अगर किसी को मिला ही तो 8,000, 12,000, 24,000, सही मुकम्मल नहीं मिला। और मिला भी है तो उस पर ये नहीं लिखा गया है कि किस साल से किस महीना से किस महीना तक दिया जा रहा है, इसी तरह से दे दिया गया। अब हम लोगों को अपनी पेमेंट पाने के लिए बिना संघर्ष किए हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जब संघर्ष होगा तभी इन लोगों की जानकारी होगी। अब तक 4-5 सालों से पंचायती विभाग ने अनुरक्षकों के साथ ठगने का काम किया। अब देखा कि अब इन लोगों ने इतना काम कर लिया, हम पैसा कैसे देंगे, तो उन्होंने पीएचडी विभाग में कन्वर्ट कर दिया। अब पीएचडी विभाग भी कह रहा है कि पंचायत से जब आप लोगों का अनुरक्षक का लिस्ट आएगा तब हम पेमेंट करेंगे। पंचायती पीएचडी में भी गया हुआ 10 महीना हो गया, लेकिन आज तक नहीं मिला वो। और सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी खुशियां मनाते हैं त्यौहारों में। अभी होली गुजरा, अनुरक्षकों के परिवार ने किस तरह से होलियाँ मनाया होगा आप लोगों को मालूम है। ईद भी गुजर गया, इस मौका पर ईद की खुशियां किस तरह से लोग मनाया है ये सबको जानकारी है। सरकार इस पर न ध्यान देती है, न अधिकारी ध्यान देते हैं, न कर्मचारी ध्यान देते हैं। अनुरक्षकों को पेमेंट नहीं मिलने की वजह से उनके बाल बच्चों पर तंगी की वजह से भूखमारी का भी असर पड़ रहा है और शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अनुरक्षकों ने बाध होकर नल जल को 1 मई से 2 दिवसीय बंद का आंदोलन का आह्वान किया है। हम लोग 1 मई से 2 मई तक नल जल को बंद रखेंगे। और ये हम लोग चेतावनी दे रहे हैं पीएचडी को कि अगर इस पर सुनवाई नहीं होगी अनुरक्षकों की मांग पर, तो इलेक्शन हो जाने के बाद हम लोग लगातार आंदोलन में उतर जाएंगे। जब तक हम लोगों का मांग नहीं मिलेगा, सही पेमेंट नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग नल जल को बाधित रखेंगे। ये कौन सी बात है कि मजदूरी करा कर उसको मजदूरी नहीं दिया जाए? वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका परिवार का कैसे जीवन बसर होगा? इसलिए सभी अनुरक्षकों को हम लोग सूचित करते हैं कि आप लोग अपने अपने नल जल को 2 दिवसीय 1 मई से 2 मई तक बाधित रखें। और आप लोगों के मोबाइल पर फॉर्मेट बनाकर भेज दिया गया है, उस फॉर्मेट को भरकर पीएचडी में और जिला अधिकारी को देना है। इसलिए कि उनको जानकारी हो जाए कि अनुरक्षकों ने 2 दिन का बंद का आह्वान कर दिया है और उसको रिसेविंग ले लेना है। रिसेविंग लेकर हम लोगों को उपलब्ध कराना है, इसलिए कि हम लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा कि हाँ हम लोगों ने आपको जानकारी देकर ही हम लोगों ने मंद किया है। और हर आदमी अपने अपने मांगों को खुद अपने तरफ से लड़ने की कोशिश करें, हम लोग इकाई बना कर रखें। इसमें चंदन दुबे भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। जितेंद्र दुबे भी प्रदेश के अध्यक्ष की मानकर आगे वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि कोई जमीनी स्तर से अनुरक्षक को जोड़ कर चल रहा है और कोई हाई कोर्ट में केस करके उसके ऊपर आधारित है कि केस का क्या फैसला होगा। खैर, केस का क्या फैसला उसको तो अलग की बात है, पहले हम लोगों को इकाई बनाकर लड़ाई लड़ना है। मजदूरों को
सबसे अंतिम हथियार लड़ाई होता है और आंदोलन होता है। बिना आंदोलन को कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए सभी अंगरक्षकों को और पूरे बिहार के जितने अंगरक्षकों को जिला अध्यक्ष हैं उन लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने अपने अंगरक्षकों को एकत्रित करके और इस लड़ाई को कामयाब बनावें और हम लोग लड़ाई इकाई बनाकर लड़ाई लड़ें, तभी हम लोगों को सफलता मिलेगी। जब तक रहेगा अंगरक्षकों की इकाई, हम लोग जोड़ कर लेंगे पाई पाई। जय हिंद, जय भारत, जय अंगरक्षक, धन्यवाद।